नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का बड़ौदा में और ये गांव है बुटाना। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को यहां पे उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के thesadkanama.com की टीम है वो गांव-गांव जा रही है और मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ शाम की तस्वीरें हैं। हर गाँव में भी इसी तरह से माहौल है, वो चल रहा है। हुक्का पे जो युवा है, बुज़ुर्ग है, वो चुनावी चर्चा में मशगूल है, वो चुनावी चर्चा करने लगे हैं। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन चुनावी उम्मीदवार मैदान में आने के बाद का जो लोगों का किस तरह से लोग सोचते हैं, क्या लोगों को उम्मीदें थी कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होना चाहिए था, और अब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने जो टिकटें भी बांट दी है, हालांकि कल है वो नॉमिनेशन वापिस लेने की अंतिम तिथि है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संतराम जी। जी, तो क्या करते हैं आप? खेतीबाड़ी जी। हाँ, तो क्या किस तरह का माहौल है, क्या यहाँ पे चुनावी मुद्दे की बात करें तो मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है जी? मुद्दे तो बहुत अच्छा है, मुद्दा कांग्रेस क्या है। अच्छा, हाँ, और सीधा ही बता। हाँ, सीधम सीधा जी। अच्छा, बस ठीक है। हाँ जी, क्या बताऊँ? हाँ जी, कांग्रेस का जी, कांग्रेस का है। हाँ जी, और ये कांग्रेस की पंचायत है कुछ? हाँ जी, ना पंचायत कांग्रेस की नहीं है। अच्छा, सारे अपने अपने अलग अलग सारे खेत मानते हैं जी। तो क्या अगर कितना काम इस गांव में हुआ या आपके इस इलाके में हुआ? इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या क्या बताऊं? जमींदार बहुत परेशान है। जमींदार का कोई भाव नहीं और कुछ नहीं, बाकी कुछ फसल नहीं बिक्री यही, और क्या? आज पराली जलाने से जी मार दिया जमींदार। अच्छा, बिल्कुल। और इस फालतू क्या कहते हैं ये किले नाम करवाओ जी गवर्नमेंट का। हाँ, कुछ और लोग भी है मेरे साथ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जगवंत नाम है भाई साहब। तो आप क्या करते हो भाई साहब? खेती बाड़ी कर रहे हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल। तो क्या किस तरह से माहौल है, किन लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने टिकटें भी बांट दी है, टिकटों को लेकर के क्या कयास पहले लगाए जा रहे थे और अब लोग क्या सोच रहे हैं? देखो, टिकट का तो ऐसा है जी, बीजेपी का तो वो एक पहले था वो ही है, बाकी कांग्रेस की आस थी कपूर ने रुवाल देने की, बाकी उन्होंने दी नहीं। तो इंदुराज बालू है हमारे, चलो उनको ही दे दी, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेला कम इफ्ती तो माहौल देखो, बीजेपी ने जो ये कानून बनाए हैं, अध्यादेश लागू कराया और जमींदार आती जिस हिसाब से फसल का भाव नहीं मिल रहा अच्छा, तो इस वजह से मतलब किसान एक किस्म से चिड़े हुए हैं सरकार से। और मेन बड़ौदा हल्का में किसानों का ही है सिस्टम, और किसान ही चिड़ गए तो फिर उनके पास मेरे हिसाब से तो फैल है। बाकी वैसे मेरी तो सोच ये है कि 4 साल पड़े सरकार के लिए रहो, कमन कमन ले मरेंगे ना, तो कि कुछ नहीं, पल्ले विपक्ष में बैठे दे फिर बैठ जाएंगे। अनिल है सर जी। तो अनिल क्या करते हैं आप? जॉब कराया करूँ जी रेलवे में। अच्छा, किस कहाँ? जगह जी। अब क्या परिस्थितियाँ क्या है इस बार चुनाव हो रहा है? चुनाव आया है जी, अब ही देनी है, अब है सत्ता आदमी है, सारे काम करानी है, सारा सौदा ठीक से मारे उसने ऐसे अब तो समस्याएं का हो ही नहीं, पीने का पानी की सड़क की समस्या तो बुद्ध हो ना, समस्या बहुत सी। इनेलो में तो जिस तरह से दुष्यंत चौटाला अलग हुए, और तो अब आगे क्या इनेलो को किस नज़र से लोग देख रहे हैं? अच्छा आदमी जी, सच बोलने वाला आदमी है जी, हल्के का विकास करेगा तो वही करेगा। मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। अच्छा, तो आप युवाओं को क्या उम्मीदें हैं सरकार से? किससे तो कोई उम्मीद नहीं हमने तो। हाँ जी, क्या नाम आपका? वीर सिंह। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। तो क्या इस बार चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव क्या लग रहा है, परिस्थितियाँ किस तरह से होंगी, कितना काम हुआ, मुद्दों की बात करें, समस्याओं की बात करें? काम तो कुछ भी नहीं हुआ अब जी। जब तक 6 साल हो गए बीजेपी ने, किते डाट आरक्षण, किते किम्मे, किते किम्मे, आदमी नून तनून, दुखबाजी में भी कोरोना ने 3-4 महीने खत्म कर दिए, तो कुल मिला के बेरोजगारी इतनी छा गई, ना तो नौकरी मिल पा रही बड़का ने, उम्र लिकड़न जा लाग रही है। ठीक है, मतलब बेरोजगारी की उस्ता देख ले, जमींदार की उस्ता देख ले, सब में कति मर्दा हुआ है, इस सरकार तय सब में नाराज है। तो क्या अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, तो उम्मीदवारों को लोग किस नज़र से देखते हैं? पहले अलग परिस्थितियां थी, अब अलग परिस्थितियां हैं।
मारा है। वैसे तो ज्यादातर कांग्रेस का माहौल रहोगा, लेकिन हम चाहते थे कि पूरा मतलब हल्का ये चाहता था कि कपूर नरवाल को टिकट मिल जाए, लेकिन कुछ कारणवश ला लो या कुछ भी ला लो या पार्टी की गुटबाजी ला लो, वो उसने टिकट नहीं मिल पाई। तो ये भालू थी मिल गई, आलंकी भालू उपचुनाव है, शेर ने चुनाव लड़ना दिया था, भालू थी लड़ा दिया, चलो फिर भी हल्का संभालेगा इस चीज ने, उड़ा की हार नहीं होने देगा। नवीन सांगवान भाई, दिहाड़ी मजदूरी करा और किए करा, खेती बाड़ी में दिहाड़ी मजदूरी तो बुरा हाल हो रहा है, बाह नहीं रहे जीरी के, बाह गिर गए गेहूं का, बाह गिर गया बाजरे का, बाह गिर गया जीरी को ले नहीं रहा, सरकार ने तो बुरा हाल कर दिया, कोई से न सरकार ने दे ले कुछ नहीं करना। मोल चुनाव आवे जब एक बहू कर दे भाई, फिर अपने वही 5 साल आराम से बैठ कर काटेंगे। विकास कुछ हुआ आपके हिसाब से? विकास की तो विकास होया, कोई देख ले कुछ विकास नहीं होया यहाँ, कोई नहीं। 15 साल उड्डा भी काट गया विरोध दल कम नुए रह गया, अरे भी 5 साल या 6 साल इन्हें भी काट दिया, नुए विकास हो लिया है। तो जो भी विकास तो होना आदमी किसान ने जर उम्मीद किससे है, कौन कराएगा उम्मीद, कौन करवाओगा? आप अपनी थाली के चट्टे बट्टे बोट ले मन जहाँ अपने घर बैठ में सिया में सो आड़े किसान का बैठ, पानी भी नहीं मिलता पीने, ऊँ खाम खाई बुरा हाल कर रहे हैं। क्या करेगी सरकार, किस किस का सरकार को, बस आप अपनी खातर है, सरकार किसी खातर नहीं है। हाँ जी, आप क्या नाम है सर? धर्मेंद्र है जी। जी धर्मेंद्र, हाँ वो फिल्मों वाले धर्मेंद्र हो या कैसे? ना लोकल धर्मेंद्र है पा, सा जाट है। हाँ चलो, एक समानता तो है, धर्मेंद्र जाट है। हाँ हम भी जाट ठीक है। तो क्या इस बार क्या रहेगा चुनाव को लेकर के, कुछ काम हुआ आपके इस इलाके में, क्या समस्याएं बड़ी हैं, किस तरह की परिस्थिति है? समस्या तो भाई साहब चल दे रहे हैं, हमने तो बंसीलाल से राज याद है। अच्छा। जब अभी पाई सरकार बनी तब से देखा कुछ तो लोग नहीं काम करने दे, जित भी करने की गवर्नमेंट भी सोचे कि उड़ा टांग रहा आपस में। अच्छा। यो गुटबाजी के उस तो बंसीलाल को आप कैसे पसंद करते हो? बंसीलाल ठीक था जी। हाँ ठीक है, उसके बाद सारी सरकार आई काम करे है, कोई ज्यादा कर दे कोई कम। अच्छा। क्षेत्रवाद की राजनीति है भी हो रही है। और बंसीलाल को अगर देखे तो? बंसीलाल तो जा लिया, उसका तो कुछ रहा ही नहीं, मामला खत्म हो लिया। अच्छा, नहीं आप कह रहे ना बंसीलाल की राज था? नहीं राज था उस टाइम पे, मतलब थोड़ा राजनीति में याद है कि उड़द स्टार्टिंग ही याद है हमारा। स्टार्टिंग हुई उसकी। हाँ उड़द है, उसके बाद सारे राज देखे हैं ठीक है। एक बात का दो, खट्टर का राज ठीक है, जो नौकरी का मामला है ना वो बिल्कुल ठीक कर इसने, अब पढ़ नाला लाग जाए नहीं, पहले के लाग जा दे टेस्ट में भी नहीं जा दे, वैसे लाग जाया कर दे, और फिर जी चंद है उड़े बोले उस नाक पर ड्यूटी करवा दिए, उड़े गोज भर कर सामने फिर घर आके बोल गए तय खोलिया कर दे, सिस्टम खत्म। किसान नाराज क्यों है खट्टर से? नाराज भाई ये 3 कानून बने हैं इनका, ना तो बेरा ज्ञापन सौदा है, ये ब्याह पाछे बेरा पटेगा ना, तो बेरा ये सही से अगर ना गलत से। अच्छा। हाँ इतने इनका फायदा का नुकसान का बेरा नहीं लोग ने। तो बीजेपी ने कहा था वो ज्यादातर लोगों का मत है उत्तर भारत के लिए ये कानून गलत है। गलत है तो फिर इस पोजीशन में फिर क्या क्या रहेगा? इस पोजीशन में चुनाव में डॉक्टर कपूर की और बीजेपी की टक्कर रहेगी। अच्छा। कांग्रेस तो एक जनौर ने लिया ही भालू भुल्लू के सौदा हमने बेरा नहीं, यू कैद करेगा कि नहीं। हाँ भालू का कुछ सौदा नहीं, कुछ और हाँ जी हाँ जी चाहिए शेर, धर्मेंद्र चाहिए नहीं शेर चाहिए। अच्छा। ले आए भालू ने रिच का उसका के है, वो तो अपना तमाशा भी नहीं कर दे उसका, वो भी बंद हो लिया। मेरे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, हाँ जी ताऊ क्या नाम आपका? मेरा नाम राजपाल है। हाँ जी, तो आप खेती बाड़ी करते हैं? हाँ खेती बाड़ी करो। तो क्या इस बार जो है बड़ौदा में उपचुनाव होने जा रहा है, इस हल्के की अगर हम बात करें क्या परिस्थितियाँ हैं, किस तरह की समस्याएँ हैं, क्या मुद्दे हैं उसके बारे में? नहीं समस्या और मुद्दे तो अब सारे ओपन हो रहे हैं जी। जो समस्या थी गाँव की जितनी भी थी वो सरकार के सामने रख दी, अच्छा वो तकरीबन तो सारी हमारी मंजूर हो रही हैं। एक मिनट यार मड़ा आराम से मड़ी शांत हो लो, समस्या हमारी जो थी हमने सरकार को बता दी, हमारी मंजूर हो रही है, कुछ आगे जो है काम शुरू हो रहे हैं, कुछ बाकी वो हो जाएंगे, तो अब सरकार जो है काम मतलब स्पीडली काम होने लग रहे हैं। किसान नाराज क्यों है सरकार से? किसान तो अब जो है ना चावल जो है धान का रेट 1,000 क्विंटल का पिछले साल मरीब का जो है ना फर्क है, अब की बार डाउन है,
खर्चा बद रहा है, दवाई खार जो सब महंगे हो रहे हैं साल पहले साल की बजाय, और रेट कम हो गया है, डीजल है डीजल रोज रोज बदा जा है, पेट्रोल तो जो है डीजल महंगा हो रहा है, न्यून तो मतलब जो हो बाट गिर दिया घना बोझ है किसान के ऊपर, जो किसान की आमदनी हुए है उसमें तो हम लटका दिया भाग हटा दिया। तो सरकार ने कोई ऐसा कर चलाना चाहिए कोई मतलब जो जो भी सिस्टम बैठता हो किसान का कम से कम उचित मूल्य तो मिले। किसान को फसलों के रेट ठीक मिल रहे हैं या नहीं? अब जो है जैसे चावल का सीजन है, चावल का सीजन जो है धान का रेट सरकार मतलब ठीक नहीं मिल रहा, कम रहे 1000 रुपये क्विंटल पर क्विंटल के हिसाब से कम है। हाँ, और यही जो रेट है ना इसमें जो है किसान का विरोध जो बने है सारे सब भी नखबात करे है, टाइम पर उसकी फसल ना बिके, बाट देखा हम अपने बड़का लत्ते ले आवेंगे फीस देंगे ये करेंगे वो करेंगे, और टाइम पर हमने जो है खर्चा करे हम 20,000 का चावल हुए हमारे 18,000 के, 2,000 और टूट गए बड़का सौदा कड़त की ले आवेंगे। रेट वाली तो जो है समस्या गंभीर है, बाकी सरकार जो है विकास के जो काम लाग रही है करवाने के लिए। हाँ, तो ये थे मेरे साथ इस बुटाना गांव के लोग, और क्योंकि दसड़कनामा.com की टीम अब इस उपचुनाव को लेकर के आपको हर मतदाता से रूबरू करवाने का प्रयास करेगी, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook, Twitter, Instagram पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।